का टाइम है और कार ट्रेड जो आपने देखा था कुछ समय पहले बाजार से जुड़ता हुआ, आज उसकी लिस्टिंग है। आशीष जी, ठीक ठाक माहौल और सेंटिमेंट नहीं है, ऐसा करते हैं पहले तो चर्चा करते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन लेवल आए। क्या कहते तो आईपीओ हैं लेकिन था एफपीओ। अच्छा, कैलकुलेट करते हैं तो दरअसल इसको मंडे को लिस्ट होना था जी, तो उन्होंने एक दिन प्रीपोन करा और मामला गड़बड़ा गया है, तो आज का दिन थोड़ा गड़बड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग है, कार ट्रेड टेक जो था उसका इश्यू प्राइस फाइनली डिसाइड हुआ 1618, उस प्राइस बैंड के अपर एंड पर 3000 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए इस आईपीओ के जरिए मोबिलाइज हुए। 20 times ओवरऑल सब्सक्रिप्शन, QIB इसका 35.5 गुना, HNI 41 times और रिटेल 2.75 गुना कोटा भरता हुआ नजर आया था। जैसे शैल सर ने कहा, ये एक इंटायरली OFS था, मौजूदा शेयरधारकों के द्वारा शेयर बेचे गए थे, जिसमें पी इन्वेस्टर्स थे वारबर्ग, तिमासिक, जेपी मॉर्गन, मार्च कैप, इन सब की कंबाइंड होल्डिंग्स 84% थी, जो रिड्यूस होके 46% हो गई है पोस्ट आईपीओ। है क्या, हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं शायद ओमनी चैनल ऑटोमोबाइल मार्केट प्लेस, जिसमें वो कार ट्रेड, कार वाले, बाइक वाले, एड्रॉइट ऑटो, वो श्रीराम ऑटो मॉल, इन सब की होल्डिंग्स हैं इस कंपनी के पास। और इसमें कार वाले और बाइक वाले तो कहा जाता है रिलेटिव ऑनलाइन सर्च में नंबर 1 प्लेयर्स हैं इस देश के। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक ही सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, जब आईपीओ आया था आपने सुना था कि इस स्टार्टअप स्पेस में, इस डिजिटल ऑटो प्लेटफॉर्म में लार्ज प्लेयर्स में इकलौती प्रॉफिटेबल एंटिटी थी जो आज लिस्ट होने जा रही है। चलिए अब आस्था जी को जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि क्या राय वो दे रही हैं। 1618 रुपए का शेयर और आशीष जी कितना गुना वो सब्सक्रिप्शन था? 20.2। चलिए 3000 करोड़ रेज किए गए, 60,000 करोड़ की एप्लीकेशन आई। आस्था जी नमस्कार, शुभ प्रभात, क्या रणनीति? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आशीष जी। देखा जाए तो कार ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की यहाँ पे मैं उम्मीद नहीं रख रही हूँ। यहाँ पे एक नॉर्मल लिस्टिंग गेन हो सकता है तकरीबन 5-10% के बीच में। सो मेरी राय ये रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी थोड़ा सा सेंटिमेंट भी यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, तो राय यही रहेगी कि अगर यहाँ पे इस तरह के लिस्टिंग गेन होते हैं जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुनाफा जरूर वसूल किया जाए। और जो लॉन्ग टर्म के यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखा है, वो चाहें तो थोड़ी सी होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। कंपनी मुझे तो बढ़िया लगती है, क्योंकि एक तरह से इनकी जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो बहुत सॉलिड है, और वो इस बात का यहाँ पे प्रमाण है कि जो 88% यूनिक विजिटर्स इनकी वेबसाइट पे आते हैं वो अनपेड है, वो ऑर्गेनिक रूट से आए हैं, तो ब्रांड विजिबिलिटी का वो एक यहाँ पे प्रमाण देते हैं। दूसरी तरफ ये ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है, जैसा कि हम सब जानते हैं असेट लाइट मॉडल है, 111 इनके जो ऑटोमॉल्स हैं 114 में से वो लीज पे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट को इन्होंने कंट्रोल किया है, मिनिमल इन्वेंट्री है बैलेंस शीट में जिसकी वजह से इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है जबकि पीयर्स नहीं दिखा पाए। तो कुछ एक पॉइंट्स कंपनी की तरफ जो इशारा करते हैं वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की तरफ करते हैं, लेकिन मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है उसे यहाँ पे नकारा नहीं जा सकता, और इसी वजह से मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करते हुए कुछ मुनाफा जरूर वसूल करें। चलिए तो फिलहाल हल्का सा मुनाफा आपको अगर आता हुआ दिखे तो उसको अपने बैंक में रखें।